का पहला सवाल है, देश में नीली जीन्स पहनने पर पाबंदी है। आपका सही जवाब होगा नॉर्थ कोरिया। आपका दूसरा सवाल है, भगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपका सही जवाब होगा पंजाब। आपका तीसरा सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही जवाब होगा संस्कृत। आपका चौथा सवाल है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। आपका पांचवा सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा यमुना नदी। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 6 किस फल को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है? आपका सही जवाब होगा अनानास। आपका अगला सवाल है, 7 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका सही जवाब होगा डॉल्फिन। आपका आठवां सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही जवाब होगा शाहजहां। आपका अगला सवाल है, 9 सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? आपका सही जवाब होगा मुंबई में। आपका 10वां सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपका सही जवाब होगा गलफड़ों से। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब होगा गैलीलियो ने। आपका अगला सवाल है, 12 भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? आपका सही जवाब होगा कोलकाता। आपका अगला सवाल है, 13 मोर का जीवन काल कितना होता है? आपका सही जवाब होगा 15 वर्ष। आपका अगला सवाल है, 14 परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? आपका सही जवाब होगा चीन। आपका अगला सवाल है, 15 हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 16 किस जानवर को हर डॉट वस्तु 2 गुनी बड़ी दिखाई देता है? आपका सही जवाब होगा हाथी। आपका अगला सवाल है, 17 भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। का अगला सवाल है, 18 आंख का काजल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका
आपका सही जवाब होगा अत्यधिक प्रिय होना। आपका अगला सवाल है 19। किस फल को फ्रिज में रखने पर जहर बन जाता है? आपका सही जवाब होगा तरबूज। अब आ गया दिमाग घुमा देने वाला सवाल। आपका सवाल है, वह कौन सी गाड़ी है जिसके आगे का हिस्सा भगवान ने बनाया है और पीछे का इंसान ने? आपका सही जवाब होगा बैलगाड़ी। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।